हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है आर के जैक थिएटर ग्रुप, जो एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको देश शेयर करता रहता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर। इसमें मैंने कई सारे टॉपिक्स या कई सारे सवालों के जवाब जो आप सर्च करते रहते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब कई लोग जो हैं इंटरनेट पर सर्च करते हैं नेचुरल एक्टिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको उन लोगों को ऑब्ज़र्व करना है जो अपने जीवन में एक अलग तरीके से, एक अलग ढंग से बोलते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है और आप उनकी नकल अच्छी तरह से कर लेते हैं। कई लोग हैं अपने पिताजी की नकल जो है बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी माता को अच्छी तरह से फॉलो करती हैं, तो वो नेचुरल तरीके से अपनी मदर को फॉलो करती हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि किस तरह से वो, जैसे इरफान खान सर थे जो नेचुरल एक्टिंग करते थे, लोग कहते थे कि उनकी आंखें बोलती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें आपको जन्म से मिलती हैं और कुछ चीज़ें आपको अनुभव से सीखनी पड़ती हैं। तो ऐसे में नेचुरल एक्टिंग के लिए सबसे ज़रूरी आपके साथ ये चीज़ है कि आप जो हैं नेचुरल तरीके से किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को, किसी भी लैंग्वेज को, जो भी भाषा बोली जा रही है उसे नेचुरल ढंग से बोलने की कोशिश करें। अगर मैं एक लाइन को भी कि मैं आज क्यों हंस रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मेरा फेस थोड़ा सैड सा हो गया, तो ये चीज़ें नेचुरल नहीं कही जाएंगी, लेकिन लगता है कि आप जो हैं कैमरे के सामने उसे देखकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो एक्सप्रेशन है वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा नेचुरल एक्टिंग बहुत ही सिंपल सादगी से भरी होती है, लेकिन उसमें एनर्जी होती है। इसलिए आप जो हैं जो भी बोलें कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, जो भी करें फुली, कोई उसमें कोई ड्रामा या कोई उसमें कोई अपना कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें जो थोड़ा ड्रामेटिकल वे में लगे, क्योंकि ड्रामा जो है सिर्फ थिएटर में होता है लेकिन कैमरे पे आपकी एक्टिंग को ना पकड़ लेते हैं। इसलिए नेचुरल एक्टिंग करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है, लोगों को फॉलो कीजिए, उन्हें नेचुरल तरीके से शीशे के सामने बोल के प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि नेचुरल और मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है।